हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कार रिलेट। एंड गाइज, आपके सामने खड़ी हुई है ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बिल्कुल ही बेस वेरिएंट। इसके नीचे तो भाई कुछ भी नहीं आती है। आपके सामने खड़ी हुई है Z2 डीजल। गाइज, इसका हम लोग फुल फाइनेंस डिटेल करने वाले हैं कि पहले सबसे पहले देखेंगे गाइज इसमें आपको क्या प्राइसिंग पड़ जाती है, उसके बाद क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है, हर महीने क्या EMI पड़ेगी, चाहे वो गाइज 1 साल का हो चाहे 7 साल का हो, हर एक एक महीने का EMI हम लोग देखने वाले हैं। कितना आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे, क्या आपका प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे भाई लोन के लिए, एंड कैसे ही बड़े आसानी से आप अपना भाई लोन सैंक्शन करा लेंगे, अप्रूव करा लेंगे। बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आपको भाई पूरी जानकारी मिल जाएगी इस कार से रिलेटेड। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन एंड फाइनेंस डिटेल वगैरह हमेशा जानने के लिए। तो गाइस, चलिए इस फाइनेंस डिटेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए गाइस, आपके सामने खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो Z2 डीजल एकदम बेस वेरिएंट। तो गाइस, यहां पे आपको इसको जो प्राइस पड़ती है वो 13.55 लाख एक्सोरूम देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, जो ये प्राइस है ये मैं आपको वाराणसी बता रहा हूं, प्राइस जो है वो सिटी टू सिटी और डिफरेंट भाई स्टेट्स में वैरी कर सकती है। तो गाइस, सबसे पहले आप इसका प्राइस जान लीजिए, 13.55 लाख इसका आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। अब बात आती है गाइस मिनिमम डाउन पेमेंट पे। तो गाइस, यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो Z2 के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाला है अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ का, क्योंकि गाइस ये थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस की गाड़ी है। तो यहाँ पे आपको भाई जो डाउन पेमेंट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को पड़ेगा मिनिमम डाउन पेमेंट। वैसे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कितना भी डाउन पेमेंट दे दो, जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। एंड गाइज, यहाँ पे आपको 2 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देना होगा। एंड उसके बाद अगर इंस्टॉलमेंट की बात कर लेते हैं, EMI की बात कर लेते हैं, तो गाइज उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आपको 9.8% का रहने वाला है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना, थोड़ा मोड़ा ऊपर करेगा, वेरी करेगा, तो भाई आप लोग उसका समझ जाइएगा। एंड गाइज, अगर बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की, तो गाइज यहाँ पर अगर आप 2 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो, 9.8% आपका भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो आप 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए 1,23,853 रुपया मतलब 1,23,850 रुपीज़ पर मंथ आप देंगे 12 मंथ तक। एंड गाइज, यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा मतलब जो पार्ट लगेगा इंटरेस्ट का, वो गए 75,978 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का पार्ट लगेगा भाई। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट रहेगा मिनिमम, 9.8% यहाँ पे आपका भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और 1 साल के लिए आपको 1,23,853 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें आपका एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट पे करोगे आप गाड़ी के पूरे प्राइस को हटा के, वो गाइज रहेगा अप्रॉक्स 76,000। तो गाइज, ये जो मैं इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ आपका भाई इंटरेस्ट है जो आपके अमाउंट पे लगा हुआ है, बाकी लेट फीस होता है या फिर आप EMI नहीं देते तो जो उसमें चार्जेस वगैरह जुड़ते हैं तो उसका गाइज अलग से प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। एंड गाइज, अगर उसके बाद आते हैं अगर 2 साल के लिए मतलब 24 मंथ्स के लिए, तो गाइज यहाँ पे अगर आप 2 लाख रुपये देते हो डाउन पेमेंट एंड 9.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पे आपको 24 महीने तक के लिए गाइज 64,000 मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे आपको 66,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब 64,946 रुपीज़ अप्रॉक्स 65,000 यहाँ पे आपको EMI देना पड़ेगा। एंड गाइज, यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा पे करेंगे मतलब जो इंटरेस्ट का पार्ट आने वाला है वो आपको पड़ जाएगा 1,48,446 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 1,48,500 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक बार फिर से बता दो, EMI गाइज अप्रॉक्स 65,000 रहेगा, एक्स्ट्रा पे आप करेंगे 1,48,500, एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.8% का रहने वाला है, एंड 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट देखने को पड़ेगा। एंड गाइज, यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वो मिनिमम ही है, एंड आपका थोड़ा सा स्कोर बढ़िया हो सकता है तो थोड़ा सा 10-5 हज़ार कम कर सकते हैं तो चलेगा। एंड अगर बात करते हैं 36 मंथ के लिए, 3 साल के लिए अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइज आप सबसे पहले ये जान लीजिए कितना एक्स्ट्रा पे करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे आप 2,23,170 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के पार्ट में पे करने वाले हैं अपने स्कॉर्पियो एंड Z2 के वेरिएंट में, एंड 45,373 रुपये आपका यहाँ पे EMI रहेगा भाई 3 साल के लिए, एंड सेम यहाँ पे 9.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 2 लाख का मिनिमम डाउन पेमेंट देखने को पड़ेगा। एंड गाइज, आते हैं 4 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको 35,632 रुपये मतलब 35,632 रुपीज़ मंथली EMI देखने को पड़ जाती है भाई। एंड गाइज, अगर उसी के बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका जो 5 साल के लिए मतलब जो रहता है टेन्योर, तो गाइज यहाँ पे आप एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे आप टेन्योर बढ़ाएंगे वैसे ही वैसे गाइज यहाँ पे आपका जो EMI रहेगा वो भाई घटता जाएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आप पे करेंगे इंटरेस्ट के पार्ट में वो बढ़ता जाएगा, मतलब इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा EMI घटता जाएगा। तो गाइज, आपको अगर एक काम करना है कि अपना टेन्योर भी बढ़ाना है और इंटरेस्ट भी पे करना है, तो उसके लिए गाइज आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे गाइज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बच जाएगा और EMI भी मंथली कम आएगा। एंड गाइज, अगर बढ़ते हैं भाई 5 साल के लिए, तो यहाँ 5 साल के लिए गाइज 29,825 रुपीज़ अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ आपको पर मंथ देना पड़ेगा 5 साल तक के लिए। एंड यहाँ पे आप अप्रॉक्स यहाँ पे 3,80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी लेट फीस वगैरह चार्जेस को छोड़ के। एंड मिनिमम डाउन पेमेंट वही गाइज यहाँ पे आपका 2 लाख रहने वाला है, 9.8% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 साल के लिए आते हैं, तो गाइज यहाँ पे आपका सेम डाउन पेमेंट रहेगा 2 लाख का, 9.8% रहता है बैंक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एंड यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वो 4,60,590 रुपीज़। एंड अगर बात करते हैं भाई अपने EMI की, तो 25,984 रुपीज़ आपको पर मंथ देना पड़ेगा। तो गाइज़ ये भी आप देख रहे होंगे कि अपना EMI घटते जा रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पे करेंगे आप इंटरेस्ट वो बढ़ते जा रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको 4,60,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है। एंड आखिरी बात कर लेते हैं 7 साल की, तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो EMI रहने वाला है 7 साल के लिए 23,226 रुपये होगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो आप पे करेंगे वो 5,44,000, मतलब अप्रॉक्स 5.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे भाई इंटरेस्ट के पार्ट में। एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.8% का रहेगा, मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख रुपये रहने वाला है। सो गाइज़ ये तो था भाई अपना पूरा EMI डाउन पेमेंट एंड क्या आप एक्स्ट्रा पे करेंगे इंटरेस्ट के पार्ट में। अब बात कर लेते हैं भाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे भाई आपको इस व्हीकल को फाइनेंस कराने में, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा आपको दौड़ना ना पड़े तो मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा कि क्या यहाँ पे आपको भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एक ही बार में आप या दो बार में मैक्सिमम अपना लोन जो कि अप्रूव करा लें। तो गाइज़ सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आपको रखना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इन सारों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ रख लेंगे काम आपका बिल्कुल चल जाएगा। एंड गाइज़ उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको ले लेना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वही सेम चीज़ जो ऊपर थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। इसमें दो चीज़ें बढ़ जाती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड। एंड उसके बाद आ जाता है भाई इनकम प्रूफ, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइज़ देखिए जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग इम्प्लॉई हैं, तो उनका फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप से काम चल जाता है, या फिर जो लोग भाई अपना क्या बोलते हैं बिजनेस करते हैं तो उनके लिए GST चाहता है, वो जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं मतलब ITR चाहता है उनके लिए, तो ये सब चीज़ें उनके लिए चाहेगा। बाकी गाइज़ यहाँ पे अगर जो लोग सैलरी बेस्ड हैं तो वो अपना सैलरी स्लिप, ITR है तो ITR भी रख सकते हैं, और बाकी फॉर्म 16 TDS वगैरह रख लेंगे। बाकी बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ले लेंगे गाइज़। एंड गाइज़ यहाँ पे आप भाई डिजिटली अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ई स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि अपने मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जाके वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज़ अगर उसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो भाई आप लोग चेक रख लीजिएगा एंड 10 से 12 यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज़ अपना फ़ोटो रख लीजिएगा। ATM की ज़रूरत होगी तो भाई उसको रख लीजिएगा, मैंडेट वगैरह कराने के लिए काम आता है। एंड चेक भाई मैंने बता ही दिया। बाकी गाइज़ अगर आप देखते हैं अगर आपका खुद का काम है तो GST का फोटो कॉपी एक बार रख लीजिएगा अपना। बाकी गाइज़ पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंने आपको सब नॉर्मल जितनी चीज़ें थे बताई दिया है। एक चीज़ गाइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका इससे पहले कोई भी लोन है तो उसका आप NOC ले लीजिएगा। अगर लोन क्लियर हो चुका है तो उसका आप अपना NOC ले लीजिएगा जो भी आपको कोरियर से आ जाता है भाई। सो गाइज़ ये सब सारी थी भाई डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए। हाँ गाइज अगर आप कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन गाइज़ जो मैंने आपको मिनिमम डाउन पेमेंट बताया है, इंटरेस्ट बताया है, मंथली EMI बताया है, ये थी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियन Z2 डीजल वेरिएंट की। एंड गाइज होप करता हूँ आप सभी लोग को पूरी फाइनेंस डिटेल मालूम चल गई होगी इस कार से रिलेटेड। बाकी गाइज इसकी वेटिंग पीरियड अभी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही है एंड इसका फुल डिटेल रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।